हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भिंडी प्याज की रेसिपी। भिंडी प्याज की सब्जी आप कैसे घर में बना सकते हैं, वो भी झटपट एकदम आसान तरीके से। साथ ही भिंडी एकदम खिली खिली बने, साथ ही उसमें कोई भी लेस ना हो, इसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। और बहुत ही बढ़िया झटपट से आप टिफिन के लिए, साथ ही लंच या डिनर के लिए, रोटी पराठे के साथ खाने के लिए भिंडी की सब्जी बना पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे आप बना सकते हैं इसे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने आधा किलो भिंडी ली है, बिल्कुल फ्रेश भिंडी हमें लेना है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद में मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया। तो भिंडी के ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नमी नहीं रहना चाहिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी भिंडी में बिल्कुल भी लेस नहीं आएगा। तो आइए भिंडी के एंड्स को रिमूव करके हम भिंडी को कट कर लेते हैं। तो आधे इंच से लेकर 1 इंच के साइज में आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी भिंडी को कट करके रेडी कर लीजिए। तो भिंडी हमने काट कर रेडी कर ली है, अब इससे हम बनाएंगे भिंडी प्याज की सब्जी। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई ली है मैंने, और आप नॉनस्टिक की कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं। तेल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून, और इसको हमें अच्छे से हीट करना है। आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं सब्जी, मस्टर्ड ऑयल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो तेल को हीट करके आप इसमें ऐड कर ले 1 टीस्पून अजवाइन। तो भिंडी की सब्जी में अगर आप अजवाइन का तड़का लगाएंगे तो टेस्ट बहुत ही कमाल का आता है। जब अजवाइन भी भुन जाएगी तब इसमें 3 इंच अदरक का टुकड़ा काटकर ऐड करेंगे। इसके साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चों को भी काटकर ऐड कर दें। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब हींग, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी हमारी भिंडी की सब्जी में। तो प्याज वाली भिंडी है तो प्याज इसमें हमें ऐड करना होगा। एक बड़े साइज की मैंने प्याज ली, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। आप प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर भूनना है, और प्याज वाली भिंडी हम बना रहे हैं इसलिए मैंने इसमें प्याज का यूज किया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं इनकेस, तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, और बिना प्याज के भी भिंडी बहुत ही कमाल की बनती है। तो मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है अपने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से 5 मिनट में आप भिंडी की सब्जी बनाकर रेडी कर सकते हैं। फिलहाल तो देखिए, इसको मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को आपको इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। हल्का सा प्याज को हमें कलर देना है। तो भिंडी की सब्जी में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा लगता है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा तेल का यूज नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें 1 टेबलस्पून तेल और ऐड कर सकते हैं, तो भिंडी की सब्जी का कलर और भी ज्यादा अच्छा आएगा। तो भिंडी काफी अमाउंट में तेल को एब्जॉर्ब करती है, तो सब्जी में थोड़ा सा तेल ज्यादा लग जाता है। तो ये देखिए, प्याज यहाँ पर कलर दे चुकी है, हल्का सा कलर आ चुका है। अब इसमें भिंडी हम ऐड कर देते हैं, जो हमने काट कर रखी थी। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई ही रखा है, और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम अच्छे से प्याज के साथ 3 से 4 मिनट तक सौटे कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, भिंडी हल्की सी सिक जाएगी, बाहरी कवरिंग इसकी हल्की सी सिक जाएगी, जिसकी वजह से भिंडी की सब्जी में बिल्कुल भी लेस नहीं आएगा। तो इसको हमें भूनना बहुत जरूरी है। और अगर आपको तेल कम लगे तो थोड़ा सा तेल आप बढ़ा दें, तो इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही भिंडी भुन भी बहुत अच्छे से जाएगी। तो जब आप सौटे कर लें तब आप इसमें मसाले ऐड करें। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ ही 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे। आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर बहुत ज्यादा ना ऐड करें, वरना भिंडी का कलर हरा हरा नहीं रहेगा और देखने में खराब लगेगा। साथ ही 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। तो मसालों को हमें भिंडी पर अच्छे से कोट करना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, भिंडी को हमने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब इसको ढककर हम कुछ देर पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर हम ढककर रख देंगे, ताकि भिंडी अंदर तक पक जाए। आप चाहें तो भिंडी की सब्जी को खुले में भी पका सकते हैं, पर मैं यहां पर इसको कवर करूंगी। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं इसको लो मीडियम फ्लेम पर। तो लगभग 3 मिनट ढकने के बाद में आप देख सकते हैं भिंडी का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है, और यहां पर भिंडी काफी अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसे हम ओपन फ्लेम में ही पकाएंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खटास के लिए अमचूर पाउडर। 1 चम्मच अमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर हम ऐड करेंगे, जो कि भिंडी की सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
फ्लेम हमारी मीडियम है और मीडियम फ्लेम पर मसालों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए भिंडी के साथ। तो एक मिनट तक इसी तरह से हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे और बस हमारी भिंडी की सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। तो बहुत झटपट से इस तरह से आप बना सकते हैं भिंडी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो इसमें प्याज की क्वांटिटी और इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा तेल भी बढ़ाया जा सकता है, तो भिंडी में बहुत अच्छी शाइन लगेगी, कलर भी और भी ज्यादा अच्छा आएगा। भिंडी का साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाइए टिफिन के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, रोटी पराठों के साथ खाने के लिए भिंडी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बिना लेस वाली खिली खिली भिंडी की रेसिपी, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाती है, पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। बाय।